SDN News। पूर्णिया में हुए युवक पर जानलेवा गोलीकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घटना के 24 घंटे के अंदर ही इस गोलीकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है, जिसके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ है। मंगलवार की दोपहर शहर के अर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल के समीप रोहन नामक एक युवक पर दिन दहाड़े कुछ अपराधियों ने गोली चला दी थी, जिसके बाद पूर्णिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गोलीकांड में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इनकी पहचान ब्रजेश सिंह, रितेश गुप्ता और शुभम के रूप में हुई है, जिनके पास से अपराध में इस्तेमाल किया हुआ हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का है। कल दिन की घटना थी जिसमें एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और जो लोग थे वो एसीवी से थे, तो उसमें पूर्णिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है और 3 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं, उसमें ब्रजेश सिंह, रितेश गुप्ता और शुभम, ये 3 हैं। और जिस हथियार का प्रयोग उन्होंने किया था वो भी बरामद किया गया पुलिस के द्वारा, गाड़ी भी बरामद कर ली गई है और तीनों को विधि सम्मत न्यायिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इनके पहले पूर्व का विवाद भी था जिसको लेकर के ये घटना की गई थी।